जैसा कि आपको पता है कि मैंने बहुत ही दिनों से व्लॉग नहीं बनाया है, उसकी वजह तो कोई नहीं है, मैं दिल्ली नहीं करता था। तो इंशाल्लाह आज से व्लॉगिंग शुरू करते हैं पूरी, ठीक है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी आज से डेली व्लॉगिंग आए। जी गाइस, तो आज इसकी आज की वीडियो में हम आपको अपना बाइक दिखाएंगे। सबसे पहले मेरे पास था 125 21 मॉडल, अब है मेरे पास 70 मीन 125 भी है, ज़्यादा बने कहीं बेचती है नहीं, 125 मेरे पास है, लेकिन मुझे ना शौक पड़ गया 70 का, ठीक है। तो अब आपको दिखाता हूँ मेरे पास 70 कौन सी है। काम कर कहीं गया हुआ कोई बंदा ले गया, 125 अभी, ठीक है, 125 अभी यहाँ पे नहीं है। तो ये वहाँ 70 है लेने में, वहाँ पे 70 शादी लेने गया था, लेकिन मेरे शौक वहाँ पे 70 ड्रीम का आ गया था, ठीक है। शादी में लेने गया था, शादी जो 70 पता होती शादी वो सी 70 मैं लेने वो गया था, लेकिन शौक मुझे इसका हो गया था। गाइस तो बाप कोई दिखाते हैं, ये रेड कलर में है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ मुझे कितने की पड़ी थी। ये मुझे पड़ी थी 1,30,000 की, ये है मुझे 1,30,000 की पड़ी थी। ये अभी 2022 मॉडल है, तो ये इतनी चल गई हुई है, क्योंकि अभी इतनी चल ही कोई नहीं है ना, मैं भी चलाता नहीं, ठीक है। तो बाप उसकी अल्ट्रेशन तो मैंने करती थी, गंदी हुई है। अब इसकी अल्ट्रेशन का आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मॉडिफाइड भी टेपिंग कराई हुई है, ठीक है, बहुत प्यारी लगी थी, मैंने ये करा ली। उसके बाद ये लाइट को पकड़ाई है, अंदर फ्लैश लाइट लगवानी है मैंने आज या कल परसों में लगवाएंगे, मैं आपको वीडियो दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे टेपिंग कराई हुई है, ठीक है, ये हुई हुई है, ठीक है, मैट में। उसके बाद ये हुई हुई है, इसके नीचे टेप हुई है, ऊपर बट लिखा हुआ है, और ये सिल्वर कलर, और ये सिल्वर कलर का मैं ताज लगाया था, ठीक है। उसके बाद आप दिखाते हैं ये चीज़, ये वो जो टैंकी का ढक्कन होता ये उसके ऊपर टेपिंग हुई है। उसके बाद यहाँ पे बट लिखा हुआ है, ठीक है। तो जी ये आप बीच में देखें चीज़, और जो ये लाइन लगी हुई बीच में जो लाइन है, ये मैंने पूरी टैंकी में टेपिंग कराई हुई है, ठीक है, देख सकते हैं आप, पूरी टैंकी का मैं टेपिंग नहीं किया, ये शीट लगी हुई है ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये नीचे सेफ गार्ड लगा हुआ है, ठीक है, और ये नीचे हरे लगे हुए हैं, हरे बहुत ऊँची बात है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपको चेक कराएंगे बाद में। उसके बाद ये लगा हुआ है, ये बहुत प्यार लगा मेरे के लगा लिए। उसके बाद ये नट्स लगाए, नट लगे हुए हैं, ये जिसके असल नट है वो संभाल ली है, ये नट लगाए हुए हैं, ये क्या बोलते चेन कवर के ऊपर नट लगे हुए हैं, ये दो चार लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये देख लें, ये कुछ फोटो शूट है, इसको रखते हैं, ठीक है, इसे बंद कर दी। उसके बाद यहाँ पे जो किल्ली टाइप होती है, किल्ली जिसको किल्ली कहते हैं, किल्ली एक ये वो लगी हुई है। उसके बाद ये इसके ऊपर सारी टैपिंग हुई भी है, ठीक है, सारी टैपिंग हुई भी है इसके ऊपर, मतलब कि शाइन ट्रांसपेरेंट टैपिंग हुई है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे ये होंडा का मैं लगाया हुआ है, लोहे का वो ना मेटल का होता है, मेटल का होने का होता है, तो वो मैंने वो लगाया था। उसके बाद यहाँ पे मैट टेप कराई हुई है, मैट टेप कराई हुई है इसके ऊपर। यहाँ पे ये नंबर प्लेट लगवाई हुई है, अब इसके जो असल नंबर प्लेट है तो वो अभी तक नहीं आई, बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है बट, यहाँ पे ये ना बट लिखा हुआ है, और ये नंबर प्लेट के नीचे स्टैंड लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, दो के लिए और है, ठीक है, आपको दिखाता हूँ, देखें वो देखिए आगे पीछे होती है, नज़र आपको आ रही होगी, ये ब्रेक हिलती है ना, तो इसलिए आग भी छोटी है। उसके बाद यहाँ पे भी ये फोटो शूट है, और ये TRD स्पोर्ट्स का लगा हुआ है। उसके बाद ये जो होती है किल्ली होती है, किल्ली ये किल्ली होती है तेल वाली, ये वो चेंज की हुई है। उसके बाद एक ये चेंज की हुई है, ठीक है, ये जो वो आपको दिखाया है, ठीक है। तो ये मैं तो बाइक था, ये देखिए, और ये जो ना आप देखे होंगे, ठीक है, ये चारों ये ना इससे
चारों चारों आम लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये नीचे लाइटें लगी हुई हैं, लाइटें लगी हुई हैं, ठीक है। ये देख सकते हो, इसको मैंने जुलाई में लिया था, ठीक है। तो देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट था भाई, में इसके बिशीट भी नहीं उतरी है। वैसे मैंने इसको डबल स्टैंड लगा दिया है, तो ये भी डबल लगा हुआ जिससे पैर फिसलता नहीं है कुछ वाला। और यहाँ पे ये की रबर लगा हुआ है, ठीक है। इसे पैर फिसल इससे हमारा पैर फिसलता नहीं है, ठीक है। अब आप उसकी चाबी दिखाते हैं, सुबह उतारने भूल गया। नट देख सकते हैं, नट ये नट लगाएंगे, नट एक दो तीन चार, ये चार नट लगे हुए हैं, ठीक है, रेड कलर के। उसके बाद ये मूछे देख सकते हैं, मूछे ये मूछे लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर टेपिंग हुई है मीटर पे, ठीक है। तो ये मैंने इसकी चाबी बनवाई ली है, जो इसकी असल चाबी होती है ना वो मैं संभाल दी हुई है। तो ये इसकी दूसरी चाबी है। तो अब आपको ये लगा के दिखाते हैं, तो ये लगा दिए, स्टार्ट करते हैं। ये हमारी 70 थी, आपको मैंने दिखा दी है, ठीक है। इसकी चाबी मैंने बाद में बनवाई है, जो इसकी असल चाबी होती है ना, और जो इसकी ओरिजिनल चाबी होती है, और जो इसकी असल चाबी आती है वो मैंने संभाली हुई है। तो ये मैंने होटल बनवाई है, ठीक है। तो ये है इसका कवर, जो मैं रोज़ रात को चुरा देता करता हूँ और सुबह उतार देता हूँ। ये रोज़ रात को मैं चुरा देता हूँ, तो इससे जंग शंग नहीं लगता, क्योंकि अब सर्दी का मौसम आ रहा है, तो इससे ऐसा हो जाता है ना थोड़ा सा, और धूल नहीं डाली लगती है। ठीक है, आज का मौसम आपको दिखाते हैं, हल्की सी धूप है, क्योंकि बहुत ही मज़े का मौसम आज कल हुआ है, क्योंकि सर्दी का आ गई है ना, इसलिए ये वाला मौसम हमें बहुत मज़े का लग रहा है आज, क्योंकि ये धूप है ना तो मज़ा आता है सर्दी वाली धूप। वैसे तो गर्मियों की धूप होती है, उसमें बैठने का दिल ही नहीं करता। बाइक कैसे है, और आप बता सकते हैं कमेंट में कि इसकी मैं क्या क्या चेंजिंग करूं, या चेंजिंग करूं या ना करूं, और ये क्या करूं इसको, क्योंकि अब मैं आगे ना इसकी फ्लैश लाइट लगवाने लगाऊँ, जो वैसे फ्लैश करती है, ठीक है, वो मैं लाइट लगवाने लगा उसके ऊपर। और आपने मुझे कमेंट कर बताना कि मेरा बाइक कैसा है, मेरा बाइक कैसा है, और मैं इसमें क्या क्या चेंजिंग करूँ या ना करूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, दो में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा प्यार, अल्लाह हाफिज़। और आज से हम पूरी कोशिश करेंगे हम ये डेली व्लॉगिंग करें, ओके, अल्लाह हाफिज़।